Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पोलिटिस हो रहे हैं और लगता है कि जैसे उनका कॉज ही हाईजैक हो रहा है भारत में मिनिस्टर तोमार से बहुत सारे फार्मर्स के ऐसे ग्रुप भी मिले जिन्होंने कहा कि हमें सरकार के ये जो अमेंडमेंट्स हैं जो लॉज नए आए हैं जो नया बिल आया है फार्मर्स का वो हमें कबूल है और वो हमारे हक़ हाँ में बेहतर है बहरहाल ये है सिचुएशन भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से और पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा जलसा लाहौर के मिनारे पाकिस्तान के बाहर हुआ संडे को और उसमें नवाज़ शरीफ ने फिर पाकिस्तान के कुछ आर्मी जर्नैलों को लताड़ा और उसके साथ साथ इमरान ख़ान को कठपुतली सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करार दिया आज के ये हमारे सुपरचैट के एजेंडाज़ हैं और इन पर आज हम बातचीत करेंगे सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो एक बहुत बड़ा पीडीएम का जलसा हुआ उसके कुछ झलके भी दिखाऊं और उसके साथ साथ उस पर कुछ बातचीत भी हो और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल उसमें बहुत सारे फनी एस्पेक्ट्स भी आते हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले देखिए कल के जलसे में नवाज शरीफ ने जो बातें की उन बातों में से एक बात आपके लिए और किस से पूछे सकूत कश्मीर जैसे सानहे पर यह जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे किस से पूछे कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए से पूछे कि पाकिस्तान हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तना हो गया है कहते हैं नाम न ना लो नाम न ना ले तो बताए फिर कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इकदार में लाए हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ अब नाम और ले रहे हैं अब वो खुल के कह रहे हैं कि सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तान से नाराज हैं मैं ये बात जब से पीडीएम के जलसे शुरू हुए तब से कह रहा हूँ कि ये जो अपोजिशन इस वक्त स्ट्रांग स्टैंडस ले रही है ऐसा मुमकिन नहीं कि इनके पीछे पाकिस्तान आर्मी के कुछ हल्के और इसके साथ साथ बैन अवी स्टेक होल्डर्स मौजूद ना हों अब वो पहले भी नाम ले रहे थे अब वो खुल के नाम ले रहे हैं चीन का नाम गालबन उन्होंने पहली बार लिया है बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और फिर वो कहते हैं कि मुझसे ये कहा जाता है कि नाम ना लें तो वो कहते हैं कि फिर नाम ना लिए बगैर तो खराबी की जो जड़ है उसको हम नहीं ढूंढ सकते और वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ़ इमरान ख़ान ही इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं बल्कि उनको लाने वाले उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है और नवाज़ शरीफ जो खुल के बातें कर रहे हैं इसके बारे में मैं बार बार अपने एक दोस्त मुख्तार हुसैन खरल का एक शेर पढ़ा करता हूँ आज फिर पढ़ता हूँ तेरे लहजे में जो अब रदो बदल लगता है इसके पीछे कोई इस सरगर्म अमल लगता है नवाज़ शरीफ के पीछे भी बहुत स्ट्रॉग ताकतें हैं वो इमरान ख़ान की घबराई हुई जो लैंग्वेज है उससे भी जाहिर होता है और उसके साथ साथ ये भी हमें आ, मालूम होता है मकमल तौर पर अंदाज़ा होता है बल्कि यकीन होता है कि नवाज़ शरीफ बहरहाल उनके पीछे जो बैन अवी स्टेक होल्डर्स भी हैं लेकिन वो पाकिस्तान को अमन की राह पर ले के जा सकते हैं चीन से दोस्ती के बावजूद चीन के इंट्रस्ट को सामने रखे रखने के बावजूद वो उस रीजन में अमन चाहते हैं उन्होंने अपनी इस तकरीर में जब भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का जिक्र किया तो एहतराम के साथ किया उन्होंने कहा कि जब वाजपाई साहब आए हुए थे फिर उन्होंने 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 कहा इमरान खान की तरह बदतमीज़ाना लहजा और लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक इंतहाई बदतमीज़ और रूढ़ शख्स है ये अपनी जगह पे एक बहुत ही अफसोसनाक बात है बहरहाल मरीम नवाज़ ने कल क्या कहा मैं उनकी भी एक मख्तर सी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ कहता था कहता था मैं ऐसा निजाम लेकर आऊंगा कि जो बड़े लोग हैं उनको कानून के नीचे लेके आऊंगा तो बट वालों को तो तुम कानून के नीचे ले आए लेकिन पापा जॉन्स पीसे का नाम सुनाए ना क्या तुम्हारे मत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के ऊपर तुम करप्शन का मुकदमा बनाओ जानते हो ना जानते हो ना पापा जॉन्स पिजा किसका है किसका है जरा बताओ पापा जॉन्स पिजा किसका है हाँ और करप्शन तो मरियम नवाज कहती हैं कि तुमने यानी इमरान खान ने पापा जॉन्स के जो मालिक हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा उनके जो अरबों रुपए के यहाँ पर अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड जो पीज़ा की चें्स बनी हुई हैं उसकी तो तुम्हें कोई याद नहीं आती एक बेचारा वो जो ग्वाल मंडी का बट कढ़ाही वाला है उसको सिर्फ इसलिए पकड़ लिया कि उसकी दुकान पर कुछ दिन पहले मरीम नवाज और उनके लोग खाना खाने गए थे ये है इंतहाई जो जो पर्सनल रिवेंज की पॉलिटिक्स इमरान ख़ान ने और जो बदतमीज़ी की इंतहाओं को छूती हुई जो पॉलिटिक्स है इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में और उस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाई है उसको ललकार रही हैं मरीम नवाज सिर्फ कड़ाही वाले की बात नहीं वो डीजे बट भी एक जो आ, म्यूजिक का या उसके साथ साथ साउंड सिस्टम का जो इंतज़ाम पाकिस्तान के बहुत सारे जल्सों में किया करते थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया इस जलसे से पहले कि सिर्फ़ बट कढ़ाही वाले ही को गिरफ़्तार नहीं करना हमने बट डीजे को भी जो साउंड सिस्टम को करता है इस्तेमाल उसको भी गिरफ़्तार करना है और नवाज़ शरीफ भी बट हैं वो भी कश्मीरी घराना से हैं तो वो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी सी सिचुएशन भी है कि मरीम नवाज़ एक बहादुर पॉलिटिशन्स हैं और बट फैमिली की हैं वो अब ललकार रही हैं कि तुम बट कड़ाही वाले को पकड़ रहे हो और पापा जॉन्स के जो मालिक हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा उसकी तुम्हें कोई मुबैना करप्शन नज़र नहीं आती ये है सूरत हाल उस तरफ एक और इंटरेस्टिंग वहाँ पे सूरत हाल बनी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हुआ है पाकिस्तान के एक टीवी की कर्टसी के साथ हम उन्हीं का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं जो डीजे किरण बट का है अब वो बट डीजे वाले तो अवेलेबल नहीं थे डीजे किरण बट वाले आ गए अब कितने बटों को ये पकड़ेंगे इमरान ख़ान न्याजी साहब ये तो फिर अपनी वो जो बंग्लादेश को सरेंडर करने वाले जनरल न्याजी की लेगेसी से तल्लक रखने वाले इमरान खान न्याजी ये अब बटों को किस हद तक आगे जाकर पकड़ेंगे बहरहाल किरण बट क्या कहती हैं और फिर वो टीवी टी वी की जो होस्ट हैं वो क्या कहती हैं कि अब जो वहाँ पर जलसे में आएंगे जो कल जलसा हुआ है उनका खून गरमाने के लिए किरण बट साहिबा ने साउंड सिस्टम फ्राहम किया है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लाहौर में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी हैं डीजे बट नहीं इस बार डीजे किरण बट कारकुनों का लहू गरमाएंगी आपको बताते चले इस बार डीजे किरण बट कारकुनों का लहू गरमाएंगी मजीद जानते नुमाइंदा पी एन एन राणा वहीद से जो इस वक्त डीजे किरण बट के साथ मौजूद हैं जी वहीद आगाह कीजिएगा मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंडाल पे यहाँ पे स्टेज जाया जा रहा है और कल के लिए तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि कारकनों की आमद का सिलसिला भी जारी है दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि जो डीजे का मामला था वो बड़ा हाईलाइट हुआ और इस वक्त भी यहाँ पे स्टेज पर डी जे चुके हैं इस मरतबा फ़र्क ये है कि डी जे की जगह पर जो डी किरण भट्ट हैं वो भी भट्ट हैं किरण भट्ट उनसे बात करते हैं कि वो आज की इंतजाम और जो कल कारकनों के हवाले से जो लहू करवाएंगी उस हवाले से वो क्या कहती हैं उनसे बात करते हैं क्या कहेंगी कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे एज ए डीजे पहुँच कर और इंतजाम कर रही हैं आप सर इंतजाम कर रहे हैं कोई हमें गवर्नमेंट से तो प्रॉब्लम नहीं हुई अगर आप मुकदमे का कह रहे हैं दो डीजे बट पर मुकदमा को गलत किया गया है क्योंकि हम लोग कारोबारी हैं हम लोगों ने कारोबार करना है किसी भी हम लोग टीम के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हम क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा कारोबार डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से हमें ये काम हम लोग कारोबार के लिए सिर्फ कारोबार को हम डील कर रहे हैं डीजे किरण भट्ट साहबा कहती है कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लक़ नहीं है हम कारोबार करने वाले लोग हैं अगर इमरान खान को जलसा करवाना होगा ये तो नहीं कहा लेकिन उनके कहने का मकसद यही है हम उनका भी साउंड सिस्टम फिक्स कर देंगे तो ये है उनके कहने का मकसद ये है सिचुएशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस लेवल पे आ चुकी हुई है और उसके साथ साथ इमरान ख़ान की और इस्टेबलिशमेंट की जो बड़के हैं वो आप सुनते रहते हैं मगर जो इंटरनली वो जो डीजे का साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका क्रैकडाउन हो रहा है और जो बट कड़ाही जहाँ पर जाके सिर्फ आप खाना खा सकते हैं उनका इसलिए डाउन हो रहा है कि मरीम नवाज अपने साथियों के साथ वहाँ पर खाना खाने गई थी अनबिलीवेबल और ये फ़नी भी सूरत हाल है और बहुत ही ज़्यादा जो है निचले लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है फिर इस जलसे के हवाले से कोविड का ज़माना हम सब समझते हैं और कोविड के ज़माने में दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे कनाडा में भी होते रहते हैं पूरी दुनिया में होते रहते हैं मगर पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लोग भी मोहतात हैं और उसमें उनका ये कहना है कि वहाँ पर तो कोई लोग ही नहीं आए थे जलसे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मंज़र है कि ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि लोग नहीं थे वहाँ पे अब ये पूरे का पूरा पीटीआई का इमरान ख़ान की सरकार का जो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है वो ये चल रहा है कि ये तो जी खाली इस पूरे का पूरा पंडाल है कोविड के बावजूद रात के समय हज़ारों लोग लाहौर में मीनार पाकिस्तान के बाहर जमा हैं आप देख सकते हैं और इस तरह के वीडियो क्लिप्स आपको यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे तो इससे अंदाजा होता है कि पीटीआई किस हद तक जा रही है पीटीआई की गवर्नमेंट के एक और अहम रुकन अमीन गंडापुर जी वो मौलाना फजुलरहमान जो अपोजिशन ये जो उसका अलाइंस है उसके एक अहम आदमी है एक अहम पॉलिटिशन है उन पे इल्जाम लगा रहे हैं इस हद तक ये गिर चुके हैं अमीन गंडापुर का ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है उसका एक वीडियो क्लिप में आपके साथ शेयर करता हूँ पहला सवाल मेरा ये है कि आप क्या एम आई सी से साथ रब रहे हैं आप बताएं कि आप एम आई सी रे जो कर रहे थे किस बुनियाद पे कर रहे थे और क्या बातचीत आप कर रहे थे कौन को आप इसका जवाब दें कौम को वे करेंगे दूसरी बात इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दुआल के साथ आपकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आपका रोयीत इस्लाम हिंद का जो आपका एग्जुटिव डायरेक्टर है जिसका नाम है मौलाना महमूद अहमद मदनी वो भी मौजूद था आप कॉम को ये बताए की आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई क्या बात डिस्कस हुई और मीटिंग क्यूँ किया ये भी मैं एक जवाब मौलाना साहब से कौम की तरफ से और मीडिया की तरफ तरफ से एक जवाब मांगता हूँ तीसरी बात कि आजादी मार्च हो मौलाना साहब ने आजादी मार्च की आजादी मार्च की टाइमिंग आप चेक करें इमरान खान ने जब आलमी सतह के ऊपर कश्मीर के मसले को उजागर किया तो उसी वक्त इसने आजादी मार्च का यहाँ पे ऐलान कर दिया और जितना नुकसान इसने मसले कश्मीर को पहुंचाया आजादी मार्च से शीद नुकसान पहुंचाया है उसका अंदाजा सबको है अब मैं इसे सवाल करता हूँ की इस आजादी मार्च से पहले और इसके दौरान इसके बैनला के साथ थे थे आखिर वो उनसे क्या बातचीत कर रहा था आजादी मार्च तो इसे की है यहाँ पर जी धान ली हुई है और ये सिलेक्टेड हुकूमत है लेकिन उनके साथ रबे का जवाब दे की क्या बातचीत ये करता रहा है इसके अलावा एक और सवाल है मेरा इसके ऊपर की फिर वारियत की घनावनी साजिश में पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व रहा है ये हिस्सा रहा है उसका और इसको फंडिंग भी हुई है उसकी ये कौन को जवाब दे कि आखिर

मान के जो आज़ादी मार्च कश्मीर के लिए कर रहे थे जो इन्होंने उसको तो शबोतास किया और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इस बात का भी जवाब दें कि कश्मीर के कॉज को काफ़ी नुकसान पहुँचा चूँकि इमरान ख़ान कश्मीर के कॉज़ को पूरी दुनिया में पहुँचा रहे थे अब पूरी दुनिया में कितना पहुँचा रहे थे इमरान ख़ान इस कश्मीर के कॉज को वो इमरान ख़ान को भी पता है और कश्मीर को भी पता है और कश्मीरियों को भी पता है इनफैक्ट कश्मीर का मामला ख़त्म हो चुका है और इमरान ख़ान इसको एक तरह से तस्लीम कर चुके हैं यही बात नवाज़ शरीफ भी अपनी तकरीर में कर रहे हैं कि भाई आपने तो शकूत कश्मीर को कबूल कर लिया और ये एक रियालिटी है मैं पर्सनली एक कमेंटेटर के तौर पर ये समझता हूँ कि कश्मीर के मसले को हल होना बहुत ज़रूरी है और भारत ने जो थ्री और थर्टी फाइव ए को जो एब्रोगेट किया बहुत ही बढ़िया काम किया जो यूनियन टेरिटरीज बनाई बहुत ही बढ़िया काम किया अब ये जो अच्छे काम भारत की तरफ से इसका फायदा पाकिस्तान को होना चाहिए था क्योंकि पैसे कश्मीर कॉस्ट पर लग रहे हैं बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर लगा चुके हैं एक इंच भी नहीं ले सके और ना ये ले सकते हैं तो फिर अवाम का मसूम लोगों का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है क्यों इसके नाम पे इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं और इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों की आगे फर्दर जो है एजेंसियां मौजूद हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं ये भारत ने एक अच्छा बहुत ही बोल्ड और इम्पोर्टेंट काम किया पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था मगर इमरान ख़ान ने सरेंडर कर जाने के बावजूद चूँकि इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है इसके रेटरक को जारी रखा जिसकी वजह से तलकार खाम खा कशीदा चले आ रहे हैं बग़ैर किसी वजह के तो ये जो अमीन गंडापुर इमरान खान को क्रेडिट दे रहे हैं ये इनफैक्ट डिसक्रेडिट है बहरहाल उनको ये बात समझ आए तो आ, बात पता चले एक और इम्पॉटेंट इशू पिछले हफ्ते इमरान खान ने शेख रशीद बहुत ही जाने पहचाने पाकिस्तान के मिनिस्टर इस्टेबलिशमेंट के कलपुर्जा और ख़ुद भी वो मानते हैं बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया चूँकि जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म था तो उनको ज़रा साइड लाइन किया मगर वो आर्मी के आदमी थे वो बहरहाल साइड में भी हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शेख रशीद तो फ्रंट फेस ही हैं, लेकिन सियासत पाकिस्तान की ख़ास वैसे तो खैर पूरी दुनिया की सियासत ही आज के ज़माने में बहुत ही फ़नी और प्रिंसिपल्स के बग़ैर है मगर पाकिस्तान की सियासत तो अपनी इंतहाओं को छू रही है गैर असूली रवैयों की बुनियाद पर यही इमरान खान है जो पिछले कई सालों पहले शेख रशीद के लिए क्या जुबान इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया पे एक वायरल होने वाला वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें इमरान खान शेख रशीद को क्या कहते थे और शेख रशीद क्या कहते थे अब दोनों घी शक्कर हैं तो देखिए ये वीडियो क्लिप जिसको मैं अपना सी भी ना लगा। एक सीट लेके सोचे मांगेगी सवार आप, आप कामयाब सियासतदान है ना यस ये देखें मैं टीवी पे कहता हूँ अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे इसे बेहतर फेल ही रहा हूँ हमेशा मैं लेकिन आपका एक आपने पार्टी ये कामयाबी है इसके पहले आप मेरी नवाज के लिए पर जो मेरी हैं। बात सुनिए आप नवाज की वोट कटे करते, करते हैं।, हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है शेख साहब आप तो अमेरिका भी आप फतह कर लेना आप उसके भी बन जाएंगे क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है नहीं आप वही बन जाएंगे तो इमरान खान जो असूलों की सियासत करने का सबसे ज़्यादा दावा करते हैं और कहते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई असूल पसंद नहीं और उनके हामी भी कहते हैं कि इमरान ख़ान को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पहले सियासत में सवाए बे के कुछ नहीं हुआ ये इमरान ख़ान का हाल है सोशल मीडिया के ज़माने में आईना है हर एक के सामने हर पॉलिटिशन के सामने हर जर्नलिस्ट के सामने आईना है सोशल मीडिया आज का और उसमें कोई ज़्यादा तहकीक नहीं करनी पड़ती लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं इमरान ख़ान का मजाक उड़ रहा है मगर वही बात जो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है मैं बार बार कहता हूँ कि इज़्ज़त आनी जानी शायद बंदा टीठ होना चाहिए तो ये है इनकी सूरत हाल सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप जानते हैं कि सुपर चैट में आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं सुपर चैट के अंदर और हमें कमेंट्स भी भेज रहे हैं क्वेश्चंस भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टैग टी डॉट इन की वेबसाइट पर जाके डोनेट के बटन को क्लिक कीजिए और इसके साथ साथ इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट का आइकॉन ऊपर है आप इसको क्लिक कीजिए और आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पे के ज़रिए 24 फोर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह आपके साथ बिला तकल्लफ़ खरी खरी और बगैर लगी लिपटी सच्ची बातें कर सकें और करते रहें आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूँ दो और मैं वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ बहुत फ़नी वीडियोज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उनमें सच्चाई ज़्यादा है एक ऐसी ही मैं तो उसको फ़नी वीडियो समझता हूँ एक ऐसी ही वीडियो जो पाकिस्तान के एक बड़े ही जाने पहचाने लाल टोपी वाले जो टोपी ड्रामा करने वाले शख्स हैं उनका एक वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ हुआ वा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो कोविड वैक्सीन जो दुनिया में अभी अभी रिलीज़ होना शुरू हुई है आ चुकी है उसके बारे में अपनी क्या वो साइंटिफिक मुँह शगाफियाँ करते हैं यानी साइंटिफिक तौर से वो क्या उसको और रिलीजियस तौर पे उसके बारे में क्या कॉन्स्पेरिसी थ्योरीज लाते हैं लाल टोपी कॉन्स्पेरिज थ्योरी लाने के लिए वैसे मशहूर हैं तो हम इनका ये वीडियो इंजॉय किए बगैर नहीं रहेंगे आप देखिए और इंजॉय कीजिए जिसका मकसद दुनिया की आबादी कम करना है जिसका मकसद इंसानियत को हलाक और तबाह और बर्बाद करके नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इंसानों को गुलाम करना है ये जिस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है हमारे आम मुसलमान जैसे कहा कि हम साधे लोग हैं जानते नहीं है ये नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम कर रहा था कि जो छोटी छोटी चिप्स एक सरिंज के जरिए इंजेक्शन के जरिए आपके वजूद के अंदर दाखिल कर दी जाए इंसान के डीएनए तब्दील करने की वैक्सीन पर यह काम कर रहे हैं जो नई वैक्सीन कोरोना की आ रही है ये डीएनए ऑल्टरिंग वैक्सीन है इससे पहले कोई वैक्सीन इस तरह की नहीं बनती थी और एक मरतबा अगर इंसान का डीएनए तब्दील कर दिया जाए यानी इंसान को ये मशीन के साथ और दूसरे जानवरों के साथ उसके मिक्स कर दें तो जो अल्लाह ने तख्लीक की हुई है ये उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी और ये हकीकतें हैं ये मफरूजें अब नहीं है इनके ऊपर इतना तहकीकी काम हो चुका है इतनी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल है ये खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम ये करने जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बिल गेट्स ये गोश्त पूरी दुनिया में खत्म करना चाहते हैं जानवरों को खत्म करना चाहते हैं कि अब आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बना हुआ गोश्त जो है वो खिलाया जाएगा आपको जानवरों को मार देंगे खत्म कर देंगे तो लेबोरेटरी में फैक्ट्री में बना हुआ दूध आपको दिया जाएगा और पूरे नए आलमी निजाम में जिस तरह इस वक्त आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एक नई डिक्टेटरशिप आ रही है एक फैशन डिक्टेटरशिप जिसकी बुनियाद फाइव टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे होगी हर इंसान को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं इसके बाद आप दुनिया में सफर कर सकेंगे कोविड का एक्चुअली मतलब यही है सी ओ वी आई डी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आई डी ये बहुत आपके साथ जिस किस्म का मजाक करते हैं इंसान इसको समझते ही नहीं है कि कोरोना वायरस को कोविड नाइन्टीन क्यों कहा है इन्होंने और ये बिल्कुल तय बात है डॉक्यूमेंटेड बात है इनके अपने अल्फाज इनके अपनी तकरीरें मौजूद हैं इनके अपने डॉक्यूमेंट मौजूद हैं वीडियोज मौजूद हैं कि यह हर इंसान को वैक्सीनेशन आईडी लगाएंगे और ये गुलामी का एक ऐसा सफर शुरू हो जाएगा कि जिसमें इंसानों की नस्लों दर नस्ल ये इंसानों को गुलाम करना चाहते हैं ये है वो तजाल का निजाम अहदीस मुबारक में इसके बारे में बहुत वाज बताया गया था लिहाजा मुसलमानों को शक नहीं होना चाहिए कि ये सब क्या होने जा रहा है तो यकीनी तौर पर आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपको पता चला होगा कि दुनिया में जहाँ कहीं इल्म की कमी है तो इस लाल टोपी वाले शख्स को सुनना बहुत ज़रूरी है और इस तरह के कॉन्सपरेटर्स आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन ये अपनी नस्ल में बहुत ही अनोखे साजिशी थ्यूरीबाज हैं तो बहरहाल हमने चाहा कि आज के इस वीडियो में चाहे इमरान ख़ान के वीडियो हों शेख रशीद के हों काफ़ी फ़नी सिचुएशन है चाहे वो डी जे बट वाली सूरत हाल हो सब फ़नी सूरत है मगर ये ग्राउंड रियालिटीज़ हैं ये आपके साथ शेयर की जाएँ उधर भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट उनके कॉज को मैं आ, एक तरह से रिस्पेक्ट देता हूं मैं एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से उनको पूरी बात समझ नहीं आ रही लेकिन बहरहाल उनका कॉज जैनवन है फार्मर्स का लेकिन उसको भी फ़नी सूरत हाल दी जा रही है पूरी दुनिया में टोरंटो में अमेरिका में कनाडा में उनके हक के लिए जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें लेम्बर्गिनी गाड़ियाँ और तमाम एक्जॉटिक गाड़ियाँ और हाई एंड गाड़ियाँ वो उन गरीब किसानों के लिए सॉलीडेरिटी शो करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो ला रहे हैं सड़कों पर यानी अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि ये किस तरह का किसानों के साथ सॉलीडेरिटी का मुजाहरा है कभी सोचें जो यहाँ पे लेबरगिनियाँ गाड़ियाँ और इसके अलावा तमाम तरह की एग्जॉटिक गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं वो ज़रा सोचें कि, कि ये किस तरह की सूरत हाल है और उधर जो इंफॉर्मेशन आज के दिन ही आई भारत में मिनिस्टर तोमार जी के साथ बहुत सारे फार्मर्स ग्रुप मिले और उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के जो बिल के जो नई क्लाजेज़ हैं उनसे एग्री करते हैं लेकिन जो प्रोटेस्ट पर फार्मर्स बैठे हैं उनका राइट है कि वो कहीं हम नहीं एग्री करते हैं। लेकिन ये बात साफ नज़र आ रही है कि पोलिटिस हो चुके हैं पॉलिटिकल एलिमेंट्स के हाथों हाथों में वो फार्मर्स अब खेल रहे हैं उनको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा और बहुत सारी जगहों पे ख़ालस्तानी एलिमेंट्स भी जा चुके हैं इससे उनकी जो कॉज है वो और ख़राब हो रही है अब यहाँ पे अमेरिका कनेडा में जिस तरह की ये एग्जॉटिक गाड़ियों के साथ जो जुलूस उनके साथ सोलिडी के लिए शो किए जा रहे हैं ज़रा उसकी एक झलक देखी है

तो कैनेडा अमेरिका में आपने देखा किस कदर एग्जॉटिक गाड़ियां हैं आखिर में आपने एक पीले रंग की लेबरगिनी जो बलोड स्ट्रीट और आ, 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 इंडियन कॉन्सलेट टोरंटो के बाहर एक और एग्जॉटिक गाड़ियों के जुलूस के साथ जा रही है इसी तरह आपने हाई एंड कारें अमेरिका के भी आ, वो एक कार रैली में देखी तो ये जो रवैया है ये क्या आपस में एक दूसरे को इम्प्रेस करने का है आपस में शे ही मारने का है आपस में एक दूसरे को बर्तरी दिखाने का है या फार्मर्स के साथ गरीब किसानों के साथ सॉलिडाइटी शो करना है कोई बता दे मुझे मैं वाकई जानना चाहता हूँ और अगर कोई सच बताना चाहता है तो मैं उसको ज़रूर स्काई पे अगले किसी शो में ले लूँगा अगर जस्टिफाई है ये सब बात तो इससे साफ ज़ाहर हो रहा है कि फार्मर्स की यहाँ पर बात करने वाले जो लोग हैं वो भी मकमल तौर पर दिखावे का, का काम कर रहे हैं शोबाजी कर रहे हैं और भारत में भी हाई जैक हो चुका है और उनकी जो भी कोई सेंसियर कॉज भी है वो भी इन्हीं की वजह से दब रही है और दुनिया में मजाक का निशाना बन रहा है बहुत सारे हमने वीडियो आपके साथ शेयर किए बहुत सारी बातें की अब मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूँ ताकि उस पर कमेंट्री दूँ उससे पहले कि मैं याद दिलाऊँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ फ़ेसबुक पे भी हमारा पेज है उसको भी लाइक कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कीजिए और आप सुपर चैट में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने क्वेश्चन कमेंट्स और डोनेशंस की सूरत में और डोनेशन के लिए हमने एक और आसान रास्ता निकाला उसको हम बहुत इंक्रेज करते हैं आप हमारे टैग टी वी के वेबसाइट टैग टी वी डॉट इन फो पर जाइए और वहाँ पर डोनेट का बटन है उसको दबाइए या आप इसी YouTube के चैनल पे हमारे YouTube के चैनल पे उस डोनेट का लिंक है उसको कीजिए और उसमें आप हमें डोनेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और पे के ज़रिए एक बात याद रखें बारह से कुछ साथी हमें डोनेट करते हैं तो वो ग़लती से उसको रुपयों रुपए समझते हुए ज़्यादा डाल देते हैं हम नहीं चाहते कि आप पर बोझ पड़े हम फिर उन्हें रिफ़ंड कर देते हैं जब उनकी ई आती है तो वो समझते हैं कि ये हम इनको रुपयों में दे रहे हैं आप वो कैनिडियन डॉलर में है हमारा सेटअप चूँकि हम कैनेडा में बेस हैं तो ये बात जेन में रखिए हम आप पे कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहते हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल के हम अपना परिवार नेरेटिव का परिवार आगे लेकर चलते चले जाएं क्वेश्चंस अब लेना शुरू करते हैं हेमंत जी रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं आज भी कंट्रीब्यूट किया इनका क्वेश्चन भी हमारे लिए एक बहुत उम्दा कंट्रीब्यूशन की एक सूरत होता है विल पाकिस्तान हैव अनदर प्राइम मिनिस्टर आर कम अंडर मिलिट्री रूल आर आई के विल कंटिन्यू देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आई के uh, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि आई के कॉन्टीन्यू करे दो कारण हैं उसके एक तो ये है कि पाँच साल प्राइम मिनिस्टर को मिलने चाहिए पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को पाँच साल नहीं मिले दूसरा मेरा पर्सनल है चूँकि मैं आई के का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ और मुझे ये पता है इमरान ख़ान जितना और रहेंगे उतने ज़्यादा एक्सपोज होंगे उनकी नालाइकियाँ उतनी खुलेंगी तो मैं तो इन दोनों वजह से चाहता हूँ यही डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है लेकिन अगर वो हटे भी डेमोक्रेटिक तरीके से हटे तो वो भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है अगर वो हट गए आई के तो जाहिर दूसरा सेटअप आएगा जिस तरह नवाज़ शरीफ बातें करते हैं लगता है कि शायद इनको ही इंटरनेशनल फोर्सेस सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इनकी सपोर्ट मौजूद है मगर नवाज़ शरीफ के या उनके ग्रुप में से किसी के आ जाने की वजह से मैं ये दो बातें ज़रूर समझता हूँ पाकिस्तान का भी कुछ भला होगा और उस रीजन का भी कुछ भला होगा इमरान खान की ये जो बहुत ही निचले सतह की एंटी हिंदू एंटी इंडिया जो रेटरक है ये कम से कम सुनने को बंद हो जाएगा ये भी एक रिलीफ होगा और उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ की कोशिश होगी कि अगर वो या उनकी पार्टी दोबारा इकदार में है तो वो इस्टेबलिशमेंट को मकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकेंगे लेकिन कुछ ना कुछ शर्तें उनसे ज़रूर मनवाएंगे कुछ ना कुछ वो रीजन में पीस लाने के लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट ज़रूर बनाएंगे लेकिन आपका क्वेश्चन हेमंत साहब ये है कि क्या ये कंटिन्यू करेगा बुनियादी तौर पर आपका सवाल सवाल यह है मुझे लगता नहीं कि ये बहुत अरसे तक कंटिन्यू कर पाए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो उसको लाई है वो भी चाहती है कि ये चला जाए एक तो उसके आने का फ़ायदा नहीं दूसरा ये चला जाएगा तो थोड़ा हीरो बन जाएगा यानी ये एक तरह से विक्टम हो जाएगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये काम देगा जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उनके ऊपर एक तरह से चेक एंड बैलेंस तो उनके हिसाब से लेकिन इनफैक्ट जो भी हुकूमत आएगी उसको ब्लैक मेल करने के लिए क्योंकि एज एन अपोजिशन लीडर ये ये बहुत ही घटिया अपोजिशन लीडर भी था जितना ये घटिया प्राइम मिनिस्टर है उतना ही घटिया ये अपोजिशन लीडर भी था तो ये बड़ा काम आएगा अपोजिशन को अगर ये विक्टम के तौर पर फारग होता है तो फिर ये अपोजिशन के तौर पर रहेगा और फिर ये हीरो बन जाएगा तो ये एक म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की ये चलती रहेगी लहजा आप यही समझिए कि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आता है कौन जाता है अपरनली यही लगता है क्योंकि एस्टैबलिशमेंट ही रहेगी लेकिन फिर भी इसके जाने से कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी पाकिस्तानी आवाम की भी कुछ बेहतरी होगी और उस रीजन की भी कुछ बेहतरी होगी अगर बहुत ज़्यादा ना हुई अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आँ... सॉरी बाबू यूट्यूब का अकाउंट उनका है कि वाई वॉल स्ट्रीट जर्नल अगर मैं समझ सका न्यूयॉर्क टाइम बी बी सी सी एन एन अगेंस्ट हिंदुत्वा अभी एक रिसेंटली एक यूरोपियन यूनियन का एक डिस इनफो लैब है उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी है मैं उस पर भी आने वाले दिनों में बातचीत करूँगा और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी वो अपनी जगह पे इतनी फ़नी रिपोर्ट है और उसको बीबीसी और जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उसको पिक कर रहे हैं कोर्स वो हिंदुत्वा के ख़िलाफ़ है हिंदुत्वा को उन्होंने यू पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे ये आ, कोई जैसे वो है ना जहादी इस्लामिस्ट टेररिज्म है वो इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं चूंकि इनके पास अपने जहादी इस्लामिस्ट टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए या उसके बराबर किसी को लाने के लिए कोई और थ्योरी नहीं है तो हिंदुत्वा को हालांकि हिंदुत्वा इज़ हिंदुज़म जो एब्सोलूटली पीस और टॉलरेंस की आइडियालॉजी है लेकिन लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट और इस्लामिस्टों के हाथ में ये एक टूल है ये एक झंझना है वो होता है ना बच्चे को रिझाने के लिए झंझना जं, बजा रहे हैं और इंटरनेशनली उसको ये चला रहे हैं और उसको बीबीसी न्यूयॉर्क टाइम और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स उसको बाय कर रहे हैं उसमें एक खराबी हमारे अपने डायस्पोरा की और हमारी अपनी भारतीय इस्टेबलिशमेंट की भी है वो इसका काउंटर निरेटिव नहीं ला रहे हैं ये लाना बहुत ज़रूरी है ये मैं बार बार कहता हूँ इसका आना बहुत ज़रूरी है बहरहाल इस पर बातचीत होती रहेगी कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं हमारे सामने टेक एंड हेल्थ टिप्स का रेगुलर कंट्रीब्यूटर है उनका क्वेश्चन है डू यू थिंक दिस पाकिस्तानी इज गोइंग मैड एंड स्पॉल कंट्री बाय ऑलवेज सेइंग एंड दे बाईजी फ्राम सेवन इज गॉन नाउ इफ दे अंडरस्टैंड सून बेटर टू दट थिंक देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर्स हैं ये बिल्कुल एक यूजलेस अननेसेसरली एक रैट्रिक है इमरान ख़ान का जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं ये और पीछे जा रहे हैं और ये वाकई मैं हर बार कहता हूँ इस, इस, इसका इससे अब तक क्या हुआ कि ये सत्तर तिहत्तर साल से जो ये रेट्रिक चला रही है पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट क्या फ़ायदा हुआ नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान की गरीब अवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं कश्मीर के नाम पे कश्मीर ये ले, ले नहीं सके ना ले सकते हैं ना कोई चांस है और फिर जो पाकिस्तान इनके पास है जो सूबे इनके पास है उनका तो कोई ख्याल कर लें उन वहाँ तो ह्यूमन राइट्स कोई बेहतर तौर पर लगा दें लेकिन बहरहाल इस अ गॉन केस आपने खुद ही जवाब दिया और क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने आ, क्या पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स करप्ट है देखिए मैं आई हैव टू बी फेयर करप्शन तो साउथ एशिया में काफ़ी है मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा पूरे उस रीजन में भारत में भी बहुत रही अभी भी मौजूद है ये रियलिटी है मोदी साहब ने पूरी कोशिश की कर रहे हैं और वो डिटर्मेंट है कि किसी तरह से करप्शन का खात्मा हो लेकिन उसमें सिस्टम में बहुत चेंजेस लाना पड़ती है अब पाकिस्तान के फौजी जो ऑफिसर्स का प्रिसाइजली आपने पूछा तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के फ़ौजी अफसर ही नहीं ब्योक्रेसी भी मीडिया भी पॉलिटिशियंस भी आलमोस्ट हर सफियर ऑफ जो लाइफ है उसमें करप्ट ही करप्ट लोग हैं इसमें ये फैक्ट है मेजॉरिटी को अगर मौका मिले पाकिस्तान में तो वो करप्शन करेंगे इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है और उनकी जेनेटिक्स में भी शामिल हो चुका है तो उसमें फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और आर्मी के लोग भी आते हैं चूंकि इनके पास पावर है डंडा है तो फिर ये करप्ट करें ये करप्शन करें तो इनको कोई पूछे ना दूसरा करप्शन करें तो ये उनके गर्दन पर अपना शिकंजा कसते हैं तो बहरहाल काफ़ी करप्शन है आर्मी में भी ख़ासतौर पर आर्मी ऑफिसर्स में जो आर्मी नौजवान हैं उनका करप्शन पे हाथ नहीं पड़ता वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं लेकिन अफसरों के लेवल पे काफ़ी करप्शन है इसमें कोई शक वाली बात नहीं और भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने राहुल लाम्बा जी का डू यू बिलीव डैट मरीम नवाज कैन बी ए गुड प्राइम मिनिस्टर इससे बेहतर होगी प्राइम मिनिस्टर अगर मरीम नवाज बनती हैं तो इस इमरान खान से तो बहरहाल बेहतर होंगी Uh, बहुत बड़ी शायद रेडिकल चेंजेस पाकिस्तान की जो माइट इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी जो माइट है और इंटेलिजेंस इधारे हैं उनके सामने वो ना खड़ी हो सके लेकिन इनसे बहरहाल वो बेहतर होगी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम और जो हमारे पास सुदीप साहब का क्वेश्चन है वाई द वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दटरसिटीज कमिटेड बाय पाकिस्तान टू इस माइनॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम टैग टी वी पर अक्सर बात करते हैं पूरी दुनिया इसलिए भी खामोश है कि भारत इस पर ज़्यादा शोर नहीं मचाता भारत को शोर मचाना चाहिए कि जो वहाँ पर हिंदू और सिख्स का बुरा हाल है चूँकि पाकिस्तान तो एक जरा तो कोई ऐसा हो जाता है ना डेली राइट्स जो चाइना ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हों तो कोई कोई एक आध मुस्लिम का कोई इशू हो जाए तो वो पाकिस्तान उस पर पूरी दुनिया में वा, वावेला मचाता ओ मुस्लिम मारे गए मारे गए इधर मिलियंस एंड मिलियंस हिंदुओं का बेचारों का जो हाल है उनकी बच्चियों के साथ जो हाल है सिखों का जो हाल है क्रिश्चियंस का जो हाल है ये तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मसला है जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं पश्तून हों बलोच हों महाजर हों सिंधी हों उनका जो बुरा हाल है एटलीस्ट भारत को जो हिंदू सिख हैं जो उनकी अपनी कम्यूनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए सी ए बहुत बढ़िया बिल था भारत का जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रसिक्यूट माइनॉरटीज़ इन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश है उनके उनको हम रेस्क्यू करेंगे उस पर भारत का लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट उसके खिलाफ इकट्ठा हो गया तो बहरहाल पूरी दुनिया इसलिए खामोश है कि भारत इस पर भरपूर तरीके से आवाज़ नहीं उठाता ये मेरा मुतालबा है भारत से कि इस पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाए भारत की आवाज़ दुनिया सुनेगी आखिर में दो एक क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो मैं उनका आंसर देता हूँ एक क्वेश्चन है ह्यूमन बींग 23 थ्री यूट्यूब अकाउंट का द रियल प्रॉब्लम इज इस्लाम एंड हेट एंड टीचिंग्स नॉन मुस्लिम इट विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू फंक्शन एंड इट्स डिस्करेज साइंस एंड इनोवेशन वट इज योर ओपिनियन देखिए ये हमने आपका कैंड क्वेश्चन लिया आपने कहा कि रियल प्रॉब्लम जो है ना इस्लाम में है देखिए धर्म जो भी होते हैं ना अगर अपनी बहुत सारे धर्म अगर आप क्रिश्चियनिटी को भी लेंगे और भी कुछ धर्म हैं अगर आप उनको उनकी लिटरल फॉर्म में लेंगे जो तो वो आपको इस तरह की शिकायतें रहेंगी लेकिन धर्मों को आगे इवॉल्व होना होता है आप जैसे हमने देखा क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुई है उन्होंने वायलेंस वायलेंस को निकाल दिया इस्लाम में, में भी ये जहाद को निकालना ज़रूरी है अहमदिया सेक्ट ने एक अच्छा काम किया उन्होंने जहाद को अब बैन कर दिया था चूँकि उसका तलब अब वायलेंस है जहाद की तब ज़रूरत हो सकता है चौदह सौ पंद्रह सौ साल पहले हो कि जब सोवरेन स्टेट्स नहीं होती थी ट्राइब्स होते थे और वो आपस में उनको लड़ते थे प्रोटेक्ट करने के लिए सोवरेन स्टेट्स नहीं होती थी ट्राइब्स को लड़ना होता था तो कोई ना कोई उनको ये शोशा चाहिए होता था कि जहाज कह दिया अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब जहाँ तक ये कि इस्लाम में साइंस या री थिंकिंग की आप कहते हैं कोई गुंजाइश नहीं है वो कोई भी रिलीजन अपनी फंडामेंटल्स में आप देखेंगे तो शायद ही कोई रिलीजन हो जिसमें इसकी कोई गुंजाइश होगी लेकिन जैसा मैंने कहा क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुई अभी भी क्रिश्चन ऐसे ग्रो मौजूद हैं जो नहीं मानते साइंस को उस तरह जिस तरह मानना चाहिए लेकिन एटलीस्ट वो वायलेंस की बात नहीं करते ये बदकस्मती है कि इस्लाम के नाम पे चाहे जमात इस्लामी हो चाहे लश्कर तैबा हो ये वायलेंस की बात करते हैं फिर ये तो आ, लश्कर तैबा और जमात इस्लामी ये तो अपनी जगह पे वायलेंट ग्रुप है इनसे भी बड़े वायलेंट ग्रुप आइस देश ये बन गए तो इन सब को ख़त्म करने के लिए इस्लाम में रीथिंकिंग की जिसके लिए एक टर्म है इजतहाद ज़रा मुश्किल टर्म है लेकिन रीथिंकिंग की ज़रूरत है उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है उसको मॉडर्न टाइम्स के साथ जोड़ने की ज़रूरत है हम इसलिए आपका ये जो सेंसिटिव क्वेश्चन है उसको लिया और हम इस तरह के क्वेश्चंस उनको बहुत फ्रेंकली एड्रेस किया करेंगे और कर सकते हैं आखिर में दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ कैनेडा के पंजाबी लोग और पॉलिटिशन खालस्तानी क्यों हैं कैनेडा कि के सारे पंजाबी लोग और पॉलिटिशन्स खालिस्तानी नहीं हैं बहुत कम खालिस्तानी हैं और खालिस्तानी जो हैं उनका ये कहना है कि उनका हक है कैनेडा के रूल्स के मुताबिक वो ये बात कर सकते हैं लेकिन इससे उनकी अपनी जगह घसाई होती है इससे उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन हाँ उनका पर्सनल शायद फ़ायदा होता है वो डॉक्टर शारदा भी कह रहे थे खुल के कह रहे थे कि उनकी अपनी दुकानदारियाँ होती हैं तो वो उनके ये फायदे होते हैं लेकिन मैं ये बताऊं कि पंजाबी जो वैसे हैं वो साइलेंट मेजॉरिटी वो इस चक्कर में नहीं हैं कि वो वायलेंस के हामी हो या खालिस्तानी हो ऐसा नहीं है आखिरी मैं क्वेश्चन लेता हूं हूँ व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडिया पॉलिसी टू बिल्ड टाइज विद साइप्रस टू काउंटर टर्कीज इंटरफेरेंस इन जम्मू एंड कश्मीर इट वर्क इन काउंटरिंग टर्कीज एंटी इंडिया पॉलिटिक्स देखिए इंडिया की जो पॉलिसी है वो उनके तल्लक़ साइप्रस से और पूरी दुनिया से अच्छे होने चाहिए टर्की में बहुत ही रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्नमेंट है और वो आगे जीतने के लिए अपनी इस्लामिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी और लेकर आगे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं ऐसी भी हम र्यूमर सुन रहे हैं कि वहाँ पे वो जहाद के लिए कोई आइस के लोग भी भेजने का इरादा रखते हैं कंफर्म नहीं है आ, लेकिन ये बात तय है कि ओपनली है कि टर्की जम्मू कश्मीर के हवाले से गलत नेरेटिव ले रहा है गलत बात कर रहा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने टर्की को कंडेम भी किया है भारत को अब दुनिया की परवाह जो है ना जो भारत को टारगेट करते हैं जो हिंदुज़म को टारगेट करते हैं या भारत को टारगेट करते हैं उनके लिए अब भारत को टफ़ स्टैंस लेना होगा हम बीजेपी की सरकार से ये तो करते हैं कि वो ज़रूर टफ स्टैंडस लेंगे और टफ स्टैंडस लेते नज़र भी आ रहे हैं आज का सुपरचैट मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपके क्वेश्चंस का आपके कमेंट्स का हमेशा बहुत इतराम करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं और इसके साथ साथ मैं जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका भी शुक्रगुजार रहता हूं। और आप हमें हमारी वेबसाइट टैग टी वी डॉट इन फो पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन डोनेट का वहाँ पे बटन उसको है उसको दबाएँ क्रेडिट कार्ड के जरिए या पे पॉल के दोनों के लिंक इसके अंदर मौजूद हैं या इस यूट्यूब के चैनल जो हमारा टैग टीवी का यूट्यूब चैनल है उसको आप ऊपर देखें तो वहाँ पर भी डोनेट का एक बटन है उसको क्लिक कीजिए आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं और हम हमेशा आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशंस के बहुत ही शुक्रगुजार रहते हैं धन्यवाद रहते हैं इससे आपका ये जो नेगेटिव परिवार है ये बेहतर तौर पर बिल्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडे सुपरचैट विरा एट टैक टीवी सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।